सुरेंद्र सीधे आपके पास आते हुए, प्रयागराज के भीतर वो आ चुका है, कितना और वक्त लगेगा नैनी जेल पहुंचने में अरविंद? जी देखिए चित्रा, सीधे तस्वीर में आपको दिखाऊं, आज तक पर सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये जो वैन आप देख पा रही होंगी आपको दिखाऊं, इसी यही वैन अब से तकरीबन आधे घंटे के अंदर जहां आप मौजूद हैं नैनी जेल वहां पर पहुंचने वाला। और जैसा कि आपने जब शुरुआत की थी तो शुरुआत में एक बात कही थी कि क्या इस सहानुभूति से माफियाओं को फायदा मिलता है, तो सवाल यही है कि एक गुंडा, एक प्रयागराज का गुंडा सहानुभूति के दम पर विधायक बना, सांसद बना, एक के बाद एक दंडनाते हुए 100 केस उसने कर दिए, 100 बार अपराध किया, गुंडा एक्ट लगा, उसके बाद कई 3 बार कम से कम ऐसा हुआ कि गुंडा एक्ट स्थानीय प्रशासन ने वापस लिया, अब उसका हिसाब किताब हो रहा है। तो ये काफिला, इस काफिले पर 36 घंटे से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की नजर थी, ये काफिला गुजरात होते हुए, राजस्थान होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए अब उत्तर प्रदेश में दाखिल हो गया है और अपनी मंजिल पर अब ये सफर। कितने देर में नैनी जेल पहुंच जाएगा ये माफिया? आप लोग कहां तक पहुंचे हैं अरविंद, इसके बारे में अगर डिटेल में जानकारी दे पाए, किन रास्तों से प्रयागराज से गुजरते हुए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? के बाद फिर जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है उससे गुजरते हुए, चित्रकूट से गुजरते हुए अब प्रयागराज में एंट्री हो गई है। मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर का और दूर का यह सफर होगा जब ये नैनी जेल पहुंचेगा। आपको मैं बताऊं 17 किलोमीटर अभी बाकी है नैनी जेल पहुंचने का, जहां इस वक्त आप चित्रा मौजूद है। लेकिन 100 ऐसे मुकदमे है, देखिए कितना बड़ा ये माफिया है और सियासत का इसने, सत्ता का कैसे दुरुपयोग किया कि एक के बाद एक 100 मुकदमे हुए लेकिन कभी किसी के। आपके पास रवीश पाल सिंह भी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं सीधे रवीश का रुख करते हुए। रवीश आप क्या जानकारी देंगे, गाड़ी के आगे आप हैं, पीछे से लगातार अरविंद ओझा फॉलो कर रहे हैं, कितना और वक्त लगेगा जरा तस्वीरें भी दिखाइए रवीश आप। बिल्कुल बगा चित्रा, बिल्कुल हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रयागराज के अंदर दाखिल हो रहा है अतीक अहमद को लेकर के यूपी पुलिस का काफिला। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन से वो एक बार पीछे वो तस्वीरें दिखाएं क्योंकि उस काफिले के ठीक साथ में हम चल रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे अब महज चंद मिनटों का फासला रह गया है, जहां आप मौजूद हैं वहां कुछ ही देर में यूपी पुलिस अतीक अहमद को लेकर के पहुंच रही है। और ये देखिए ये बाबा पुलिस की गाड़ियां हैं जो हमें रास्ते से हटा करके किनारे लगने के लिए कह रही हैं क्योंकि ये यहां से बिल्कुल तेजी से, वे पीछे वैन भी आपको दिख रही होगी, उसी वैन के अंदर अतीक अहमद मौजूद है और बस आप ये समझिए कि 10 से 15 मिनट के भीतर ये गाड़ियां जो है आपके पास पहुंचने वाली है नैनी जेल, जहां पर आज पूरी रात अतीक अहमद को गुजारनी है। और हम इस काफिले के बिल्कुल आगे चल रहे हैं, ये आज तक पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रयागराज के अंदर यूपी पुलिस की इस काफिले के दाखिल होने की तस्वीरें हैं। और कोटा से हम लोगों ने ये सफर शुरू किया था अपना अतीक अहमद के इस काफिले के साथ यूपी पुलिस के, और अब ये सफर प्रयागराज की नैनी जेल में जाकर के खत्म होने वाला है, चंद मिनटों की बस देरी है। फिलहाल अगर हम बात करें तो जैसे जैसे ही आप लोग नजदीक पहुंचेंगे मैं फौरन आप लोगों के पास आऊंगी, बस कुछ मिनटों का और इंतजार, जिसके बाद अतीक अहमद जिसने 30 सालों से ज्यादा का राज किया है इसी प्रयागराज में, आज उसकी स्थिति क्या हो गई है इस बात को समझिए। 1300 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके बाय रोड उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको लेकर आ रही है, रास्ते में जहां जहां वो उतरता उसको इस बात का डर सताता रहता कि कहीं उसका एनकाउंटर नहीं कर दिया जाए।